हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके जो मैथ्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से या परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे देखें कि आज से हम नए चैप्टर के जो प्रश्न बैंक हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उनकी वेबसाइट में डाले गए, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करना है और उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो इनको आप नए सिरे से एक कॉपी बना लें और इनको आप लिखें और नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एफ डिफाइन किया गया है, एफ एक्स डिफाइन है 3x-4, तो हमको एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो हम यहां देखते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू मान लो वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स, ये आपको नियम पता है, ठीक है ना। तो इसी को तरह से यदि हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x-4 इक्वल टू वाई, तो इसको हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका y प्लस 4 अपॉन 3, और इसका मान कितना होता है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, f इनवर्स y। तो इसका मतलब जो हो गया आपका कि f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, ये आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। अगर क्वेश्चन में यदि x के रूप में लिखा हो तो आप y के स्थान पर x रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 4 अपॉन 3, ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। तो आपके आंसर में यदि इस रूप में हो सकता है या इस रूप में हो सकता है, दोनों रूप एक ही है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स हो तो कंपोजिट फंक्शन ज्ञात करना है। यदि हमको ऐसा फाइंड करना है एफ हो जी एक्स, तो कैसे करोगे, एफ और ये जी फंक्शन, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो हम यहां देखते हैं कि एफ और जी एक्स का डिफाइन किया हुआ है आपका रूट एक्स, और एफ कैसे डिफाइन किया है, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो यदि एफ ओ जी निकालते हैं तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स ये आएगा, और यदि हमको जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, जी एफ एक्स जी एफ एक्स कितना डिफाइन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और जी कैसे डिफाइन किया है, रूट एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स, क्लियर। तो हम देखते हैं कि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू भी एक्स आ रहा है, ठीक है। इस केस में हम एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ देख रहे हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो हमको सही आंसर चुनना है। तो हमको पहले एक एक का नियम क्या होता है, एक 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 का नियम है कि फलन एफ एक एक होगा यदि हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चले, क्लियर, और हम शो कर दें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ये कंडीशन को हम शो करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, एक एक होगा, एक एक क्या ना, वन टू वन, वन वन मैपिंग। ठीक है, तो हम यहां पर लेके चलेंगे क्वेश्चन में एफ एक्स वन
इक्वल टू एफ एक्स टू, दिस इंप्लाई एक्स वन की पावर फोर इक्वल टू एक्स टू की पावर फोर। इसको सॉल्व करने पर हम एक्स वन बराबर नहीं होगा एक्स टू, क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है कि यदि हम जैसे मान लो एफ वन लेके चले और एफ माइनस वन लेके चले तो क्या हो जाएगा आपका, वन की पावर फोर और माइनस वन की पावर फोर दोनों के मान कितना आते हैं, वन, और ये भी वन आता है। तो यहां पर मान तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए यह फलन एक एक नहीं है। फलन कैसा होगा, एक एक नहीं है। आच्छादक के लिए हम आच्छादक देखेंगे, आच्छादक ऑन टू, तो उसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमने कोई y बिलोंग्स टू रेंज का लेके चल रहा है, रियल का रेंज, तो देयर एग्जिस्ट एक x बिलोंग करेगा R, R मतलब डोमेन में, इस प्रकार की f x इक्वल टू एक्स की घात चार इक्वल टू वाई। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई की घात एक बटे चार। यदि y रियल है तो ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि f फंक्शन जो है एक एक नहीं है किंतु आच्छादक है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना? तो जब आंसर आप चेक करेंगे तो ये एक एक नहीं होगा, आच्छादक होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह आपका फलन दिया हुआ है तो हमको यहां देखना है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलो और हम दिखा देंगे कि टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू, दिस इंप्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इसका मतलब एफ एक एक है, ठीक है? अब हम लेके चलते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू इसको वाई बिलोंग टू एक एन, एन क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या, क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई अपॉन टू। ये जरूरी नहीं है कि एन में हो, कारण क्या है कि यदि हमने मान लो थ्री लिया एन में है, क्लियर, तो उसके सापेक्ष एफ थ्री बाई टू इक्वल टू टू इंटू थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री, थ्री एन में है लेकिन थ्री बाई टू एन में नहीं है, इसका मतलब यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सेवन, इसको हमने क्या मान लिया, वाई। तो हमको पता है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, क्लियर? तो हम एफ इनवर्स वाई ज्ञात करेंगे तो यहां पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा y प्लस सेवन अपॉन फाइव, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, f इनवर्स y। क्लियर? तो हमारा जो डिफाइन हुआ f इनवर्स
y इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 5, ये हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, f इनवर्स 7, तो यहां पर क्या रखेंगे, 7 प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 14 अपॉन 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, अब हमको एक संबंध दिया हुआ है कि a रिलेटेड टू b, क्या ये संबंध क्या होगा, तो देखिए हम यहां देखते हैं कि यहां पर संबंध डिफाइन किया है ए आर बी, क्या डिफाइन किया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या दिखाना पड़ता है हमको, ए रिलेटेड टू ए, यह दिखाना है, चेक करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये स्वतुल्य का नियम है। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं चूंकि ए इज ग्रेटर देन ए, यह क्या है ट्रू, यह कथन कैसा है सही है, इसीलिए आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य। अब हम क्या देखेंगे, सममित, सममित के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी, दिस एम्प्लाई बी रिलेटेड टू ए, यह हमको चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो यदि ए ग्रेटर और इक्वल बी, दिस नॉट एम्प्लाई बी ग्रेटर और इक्वल ए, इसका मतलब आर सममित नहीं है। अब तीसरा देखेंगे संक्रामक, संक्रामक में क्या देखेंगे कि यदि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाई ए रिलेटेड टू सी, ये हमको चेक करेंगे। क्लियर, तो यहां पर यदि ए ग्रेटर और इक्वल बी, बी ग्रेटर और इक्वल सी लेके चलें, दिस इंप्लाई ए ग्रेटर और इक्वल सी, इसका मतलब आर जो है यह कैसा रिलेशन है, संक्रामक है। तो तुम्हारा इसमें आंसर क्या होगा, आंसर आंसर होगा स्वतुल्य और संक्रामक है, सममित नहीं है। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब हमको अगला क्वेश्चन देखना है, हमको एफओजी पहले देखना है, एफ ओ जी एक्स, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ जी का फंक्शन एफ लगा दिया, ऑपरेट किया, तो यह आ जाएगा एफ और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x-5। अब इस पर हम फंक्शन एफ आरोपित करेंगे, तो 2 4x-5 का होल स्क्वायर प्लस 3 4x-5 प्लस 5। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ जीरो पर चाहिए, तो क्या करेंगे आप, 2x का मान जीरो रख दो, तो कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर 3 -5 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 2 × 25 - 15 + 5, तो ये हो गया 50 - 10 = 40, ये आपका आंसर है। क्लियर, थैंक यू।